केदारनाथ धाम आने का अगर आप प्लान कर रहे हो और यहाँ के मौसम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो मौसम है सुबह से यहाँ पर खिली धूप निकली हुई है। ये मैं शूट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ये 9 फरवरी के करीब 11:30 बजे का इस समय है जहाँ पर खिली धूप ये निकली हुई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर शाम होते होते ठंडा थोड़ा सा मौसम हो जाता है और अगर हम जो मौसम निदेशक है उनकी माने तो हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर शाम के समय हो सकती है। ये 2-4 दिन लगभग यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर केदारनाथ धाम में खिली धूप निकली हुई है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से हम लोग जैकेट वैकेट में आ गए हैं तो अगर आप भी ऐसे आएंगे तो यहाँ पर आपको गर्मी महसूस होगी, लेकिन हाँ शाम होते होते मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। हम कल की बात करें, कल नीचे की तरफ हमने देखा, मतलब आप गौरीकुंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बारिश देखने को मिली थी। यहाँ पर भी शाम के समय हल्की बारिश यहाँ पर हुई थी तो शाम के समय मौसम ठंडा हो गया था। दूसरी तरफ जंगलों में भी यहाँ पर कई जगह पर आग लगी है तो बारिश होने की वजह से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो मतलब सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको स्नोफॉल वगैरह इस तरह का कुछ इस बार नहीं मिलने वाला है। इस बार खिली धूप निकली हुई है और आप अगर मोटी मोटी जैकेट्स पहन के यहाँ पर आएंगे तो आपको निकालनी पड़ सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको गर्मी लगने वाली है। लेकिन हाँ 3 बजे के बाद यहाँ पर मौसम जो है ठंडा हो जाता है। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट, केदारनाथ।